सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय नूडो। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि जो लाइट होती है लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। मैंने अपनी एक वीडियो में, बहुत पुरानी वीडियो है, उसमें मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता रखा है। आज के जो क्लास 10th का चैप्टर है, 10th चैप्टर नंबर है आपका लाइट, अगर आपके में आगे पीछे भी हो सकता है सीबीएसई का है, उसमें हम लोग आज लाइट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। जो लाइट का होता है रिफ्रैक्शन कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब इसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझो कि एक ये मीडियम है, यहां से अगर इसको लाइट को आनी है, तो हम क्या जानते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, मतलब उसको ही रेक्टिलाइनर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं ना। जब लाइट जो होती है, लाइट सीधी डायरेक्शन में जाती है। हम लोगों ने किताब में पढ़ रखा है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, बट वेन लाइट चेंज इट्स रूट और पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जैसे कि लाइट अगर इसको यहां से जाना है, जैसे अगर सीधे जाएगी तो इसमें सरफेस को, जैसे ये सरफेस है इसको ये क्रॉस करेगी, तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, बट ये रिफ्रैक्शन अगर होगा यहाँ पे, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी यहाँ पे, मतलब कि जो रेज है, ये जो लाइट है, इसको इस तरफ जाना है, बट ये चेंज हो जाएगी, इसका रूट जो होगा ये पास इधर की तरफ हो जाएगी, इसी को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है, डेंसर में। हम लोग अगले वीडियो में, अगर मैं आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जब पढ़ाऊंगा, उस समय डेंसर आप पूरी तरीके से समझोगे, रेयरर और डेंसर। अभी हम लोग क्या समझेंगे, इसकी डेफिनेशन देख रखे हैं। इसकी डेफिनेशन, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट जो होती है बेंड करती है यानी मुड़ जाती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, बट वेन लाइट बेंड, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। जब लाइट जो होती है, लाइट हम लोगों की, जब वो बेंड कर जाती है किसी सरफेस से टकरा कर उसके आगे जाएगी और उस समय वो बेंड कर जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, दो मीडियम के बीच में, ठीक। अभी मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग इसका पूरा मतलब समझोगे। आप लोग नोटबुक में इसे लिख लो, उसके बाद आप समझोगे। अब इसमें भी तीन कंडीशन होती है, ठीक। अभी मैं इसे इरेज करता हूँ, ये वाला हम लोग इरेज करते हैं। इसमें क्या रहा है, पहले में अगर कंडीशन है रेयरर टू डेंसर, रेयरर मतलब आप जानते हो क्या होता है, रेयर जो खाली खाली मीडियम, एक ऐसा मीडियम जो पूरा खाली हो, डेंसर जिसमें मॉलिक्यूल्स हो ज्यादा भरा हुआ, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेयर जिसमें खाली खाली हो, डेंसर जिसमें भरा हो, ओके। तो अगर लाइट जो होती है, व्हेन लाइट गोस रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वहां पे क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। इसमें कहने का मतलब क्या है, ये हम लोगों का सरफेस है, ये सरफेस है, ये लाइन जो है सीधे गई, ये सरफेस है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये हम लोगों ने इसको नीचे वाले को हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने इसको डेंसर मान लिया, क्योंकि ये नीचे की तरफ डेंसर जा रही है, फर्स्ट कंडीशन में यही तो कह रहा है, नीचे डेंसर, ऊपर क्या है, रेयरर। रेयर का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, रेयरर मतलब होता है एयर, रेयरर का एक एग्जांपल हम लोग एयर मान लेते हैं, डेंसर का एक एग्जांपल हम लोग वाटर मान लेते हैं, वाटर भरा भरा रहता है, ठीक, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर, ठीक, इतना समझो। अब ये जो लाइट होगी, अब ये लाइट किधर की तरफ जाएगी, ठीक, अब ये सीधा जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, ऐसे जाएगी, ओके। बट इसमें कहा है बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, इसका रिफ्रैक्शन जो होगा, अब जो लाइट एयर से ट्रेवल करते हुए जो वाटर में एंटर करेगी, वाटर में जब एंटर करेगी तो कैसा रिफ्रैक्शन होगा, अभी हम लोग रिफ्रैक्शन अभी नहीं बनाएंगे, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल यहाँ पे परपेंडिकुलर कह रहा है, परपेंडिकुलर कहाँ होता है, सी बीच में होता है, सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता, ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर इस टाइप का हो जाएगा, मेरे को बता ऐसा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। अब इसके बेंड्स टुवर्ड मतलब नॉर्मल जो है हम लोगों का परपेंडिकुलर के पास इसका रिफ्रैक्शन बनेगा, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी, कुछ ऐसे टाइप का, ये क्या हो गई हम लोगों की आर हो गई, और ये इधर इसको जाना था, इसको यहाँ पे से जाना था,
जाना था बट वो उस तरफ गई नहीं क्योंकि क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, जो होगी रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट मेरे को बताओ क्यों होगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जाने पे लाइट रिफ्रैक्ट होती है। तीन कंडीशन होती है जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। पहला रेयरर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयरर, और उसके बाद नॉइनी नॉर्मल में रहती है, कोई नहीं। ओके, परपेंडिकुलर। अब आपको समझ में होगा कि इसका रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, ऐसे जा रही थी, इसको इधर की तरफ जाना था बट ये नीचे की तरफ चली गई, रिफ्रैक्ट कर गई कि नहीं कर गई, इसलिए क्या हुआ, इस तरीके का बन गया। अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इस देखो ये जो एयर जो है जिसको हम लोगों ने रेयरर माना है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। और जो रिफ्रैक्टेड एरिया हो, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसको हम लोग इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और बीच वाले को तो हम लोग एन कहते हैं, यानी नॉर्मल। अब देखो इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ओके, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, आई से डिनोट करते हैं और इस एंगल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। रेयरर टू डेंसर मतलब कि ऐसे लाइट है, इसको जाना था इस तरफ मगर रेयरर टू डेंसर जा रही है, इस वजह से पानी में जाने की वजह से ये क्या होगी, नॉर्मल के थोड़ा सा दूर चली जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो रिफ्रैक्ट करके इधर आ जाएगी। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सेकंड कंडीशन है डेंसर टू रेयरर। अब जो डेंसर है, डेंसर से रेयरर जाएगी, डेंसर से रेयरर, तो कुछ इस टाइप का ऐसे बनेगा हम लोगों का, इस टाइप का बनेगा। ये हो गया सरफेस, हम लोगों ने समझ लिया। डेंसर टू रेयरर, अगर बेंड्स अवे नॉर्मल, अब ये जो वाटर है वाटर से एयर में जा रही है, मान के चलो ये हम लोगों की एयर हो गई, ये एयर है। अब इसको यहाँ पे है, अब हम लोगों ने इसे एयर हो गई, नहीं सॉरी ये तो वाटर है भाई, हम लोग डेंसर से जा रहे हैं ना, सॉरी। अब इसको किधर की तरफ जाएगी, अब हम लोग पहले परपेंडिकुलर बना देते हैं, पहले परपेंडिकुलर बनाना चाहिए तभी आपको आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है बताओ, परपेंडिकुलर ऐसे होता है। अब परपेंडिकुलर से दूर रिफ्रैक्टेड रे बनेगी, रिफ्रैक्टेड रे दूर बनेगी, मगर इसको कैसे बनना चाहिए था, ऐसे 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 बनना चाहिए था, बट ये परपेंडिकुलर से, ये परपेंडिकुलर है हम लोगों का, एन से दूर भागेगी, मतलब उधर की तरफ इसका रिफ्रैक्शन चला जाएगा, ये रिफ्रैक्शन जो है ये आर दूर चला जाएगा। बेंड्स अवे नॉर्मल, जो वो टेढ़ी मुड़ेगी, जब वो टेढ़ी मुड़ेगी तो वो कहाँ टेढ़ी मुड़ेगी, नॉर्मल जो है हम लोगों का परपेंडिकुलर से दूर मुड़ेगी जाके, ठीक, बेंड्स अवे नॉर्मल। अभी हम लोगों ने डेंसर है, ये वाटर है, ये डेंसर है, और ये हम लोगों का एयर है, मतलब की रेयरर है। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसमें हम लोगों ने देखा था जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस केस में, इस वाले केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा है कि नहीं, इतना आपको समझ में आ गया। अब थर्ड हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। अब थर्ड कंडीशन यहाँ पे दे रखी है नो बेंडिंग, जो नॉर्मल इंसिडेंस होती है नो बेंडिंग यहाँ पे कहा गया है। अब ये नो बेंडिंग कहने का मतलब है, ये मान लो एक सरफेस है। अब नो बेंडिंग में यहाँ पे ये जो लाइट आ रही है ये सीधे लाइट आएगी, तो यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने पढ़ा था, ये परपेंडिकुलर भी किधर आएगा, पूरा इसी के ऊपर पूरा परपेंडिकुलर आएगा, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के जस्ट ऊपर है, पैरेलल है, तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनने का कोई चांस ही नहीं है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां से बनेगा, यही इसमें बताया गया है। नो बेंडिंग नॉर्मल आई। ओके, आई से किसको डिनोट किया जाता है, आई से हम लोग डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। अब एक एग्जांपल समझो, हम एक एग्जांपल से लगाते हैं पूरे एक सवाल जैसे, एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल में है जैसे कि एक ये ग्लास और एक कांच का पूरा एक डब्बा है, ठीक, कांच का पूरा बना हुआ है ग्लास का, मतलब ये डेंस होगा कि नहीं होगा, मेरे को एक बात बताओ, ये कांच का डब्बा है तो ये डेंस होगा ना,
डेंसर, डेंसर, ओके डेंसर होगा। और जब हम लोग इसमें एक लाइट भरे, लाइट एंगल ऑफ रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब रेयरर है, अब वो उधर की तरफ से आ रही है तो यहाँ पे क्या करेगी, जब ये इधर की तरफ से आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस प्रकार का बनेगा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको नॉर्मल यानी हम लोगों का परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर इसका बनेगा। तो परपेंडिकुलर जब ऐसा बनेगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो परपेंडिकुलर जब इधर पड़ेगा तो बेंड्स टूवर्ड, टूवर्ड मतलब हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, मतलब कि जो एयर है, एयर ये रेयरर है, रेयरर क्या है हम लोगों की, रेयरर, रेयरर से डेंसर में जाती है तो जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, तो परपेंडिकुलर के पास रिफ्रैक्शन बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कुछ इस टाइप का ऐसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको बाहर लाइट जब निकलेगी, जब लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो मेरे को बात बताओ, तो यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, जो डेंसर है वो रेयरर में जा रही है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, ये आर में लिख देता हूँ, ये आर का मतलब रिफ्रैक्शन है, रेयरर नहीं रिफ्रैक्शन है, ओके ठीक। तो अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इसका परपेंडिकुलर यही पे होगा, परपेंडिकुलर यहीं पर होगा, परपेंडिकुलर आपका यहीं पर होगा, परपेंडिकुलर यहीं पर होगा, तो परपेंडिकुलर के दूर में बनता है, परपेंडिकुलर से दूर भागता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंड्स अवे रिफ्रैक्शन, बेंड्स अवे परपेंडिकुलर, सेकंड सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप लोग जितना बता रहा हूँ भाई लोग आप लोग उसे नोट करते जाओ, ओके। तो उसका एंगल ऑफ जो होगा ऐसे कुछ भाग जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक, दूर से भाग रहा है, ठीक। तो इस प्रकार का हम लोगों का ये पूरा टोटल फिगर बनेगा, ये पूरा एयर है बाहर, बाहर एयर है भाई लोग, इतना रेयरर है, रेयरर है। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो बैक करके आप लोग जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसे रिवर्सली आप लोग रिवर्स करके उसे बनाते रहो, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसको मैं अब मिटा देता हूँ, बेंडिंग वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया हो तो जल्दी से नोट कर लो वीडियो पॉज करके और रिवर्स करके, ठीक। ऐसे है, मैं एक ना प्रिज्म बनाता हूँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये पूरा का पूरा एक ग्लास का है, ग्लास का है, ठीक। अब यहाँ से जो एंगल, ये एक लाइट जा रही है, सॉरी इस तरीके से नहीं बना रहा था, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, मैं इसे ऐसे एक लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, लाइट आ रही है। और एंगल ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होगा कहाँ बनेगा मेरे को बात बताओ, यहाँ पे सरफेस है, सरफेस कहाँ है, सरफेस हम लोगों का यहाँ पे, सरफेस यहाँ पर है, सरफेस यहाँ पर है, तो सरफेस के पास ही परपेंडिकुलर बनता है कि नहीं बनता है, तो परपेंडिकुलर हम लोगों का कहाँ बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पर बनेगा। तो परपेंडिकुलर के पास से होकर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जाती है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के पास से जाएगी। अब ये सीधे सीधे जा सकती थी अगर परपेंडिकुलर नहीं लगता, सीधे सीधे जाती, सीधे सीधे, बट यहाँ पर ऐसे जाएगी, थोड़ी बेंड कर जाएगी रिफ्लेक्शन की वजह से। अब ये जैसे यहाँ पे ऐसे बेंड करके आगे जाएगी तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फिर बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा कि नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर डेंस से जा रही है तो ये परपेंडिकुलर से दूर भागेगी, इधर की तरफ भागेगी, परपेंडिकुलर से दूर भागेगी, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से दूर भागेगी। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसमें है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। कैसे गई एंगल, पहले फर्स्ट कंडीशन में एयर है, ये एयर है, और ये है डेंसर, ये डेंसर है, डेंसर। अब जो रेयरर है, रेयरर से डेंसर में जाती है तो परपेंडिकुलर के पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, बनता है कि नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पास में बनता है परपेंडिकुलर के, इसलिए यहाँ पर है पास में हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है। अब ये इधर जाएगा तो डेंसर से, अब इसको लाइट को बाहर निकलना है तो डेंसर से एयरर में जाएगी तो परपेंडिकुलर के दूर रिफ्रैक्शन बनेगा, तो रिफ्रैक्शन इधर की तरफ जाएगा, मेरे को बताओ उधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। इतना ही आपके इस टॉपिक में था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके अगले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।